Hello everyone, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the levy and collection of GST, and this is the lecture 2. In the first lecture we have seen the question which was related to renting of immovable property. So humne first lecture mein sirf immovable property ko cover kiya tha. अब हम इस क्वेश्चन में दो तीन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पॉइंट्स होंगे, कमर्शियल कोचिंग के कुछ पॉइंट्स होंगे, एजुकेशनल सर्विसेज के कुछ पॉइंट्स होंगे. तो बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो इसी फॉर्मेट में होगा. दो से तीन हेड्स को मिक्स करके कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और उस बेस पे आपको कैलकुलेट करना है जीएसटी एज वेल एज दी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज. सो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होने वाला है इन द पेपर. सो ये क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करें. और मेन पॉइंट इस क्वेश्चन सॉल्व करने में यही है कि आपको जो एग्जेम्पशंस है एज पर दी नोटिफिकेशन 12/2017 जीएसटी एक्ट के बेस पे, वो याद रखना है. तो मैंने ट्राई किया है कि मैंने इस पूरे क्वेश्चन में भी मैक्सिमम एग्जेम्पशंस कवर करना है हमें. लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने बहुत सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जेम्पशंस कवर किए थे, वो भी थोड़े यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे सो दैट हमारा कंबाइंड क्वेश्चन प्रॉपरली हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दी कैलकुलेशन की कैसे आपको ये सम को सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन. तो इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन ₹2 lakhs अमाउंट इन द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप देखोगे तो अमाउंट तो चेंजेस होते रहेंगे, आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है. अब ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज का पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं इन फाइनेंशियल सर्विसेज. अगर लोन प्रोसेसिंग फीस आए तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट ऑन अर्नड ऑन लोन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है नॉन टैक्सेबल. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस, देखो ये आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का. मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल रिलेटेड फैक्टर्स आए, कॉरपोरेट ऑफिस आया, अगर कंपनीज के लिए हमने बिल्डिंग को लेट आउट किया है तो वो सारे पॉइंट्स में जीएसटी एप्लीकेबल है. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल. नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड चार्जेस. तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड चार्जेस भी टैक्सेबल हो जाएंगे, इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है. तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इट इज ऑल्सो टैक्सेबल. देन वेकेंट लैंड यूज फॉर हॉर्टिकल्चर, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक है एनिमल हस्बेंड्री, एक है हॉर्टिकल्चर और एक है फ्लोरिकल्चर. तो AHF तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, AHF, A for animal husbandry, H for horticulture and F for floriculture. इसके ऊपर कोई भी GST applicable नहीं है, तो ये point बन जाएगा हमारा non taxable. Next point देखते हैं, loan processing fees. तो अभी मैंने आपके साथ discuss किया, अगर हमको loan processing fees दिया है तो वो taxable है, लेकिन interest earned on that loan is non taxable. Then building let out to event management company. तो अगर हमने बिल्डिंग कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए दिया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बिल्डिंग लेट आउट किया, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है, सेल एंड परचेस ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पॉट एक्सचेंजेस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं बिजनेस फिनांस से रिलेटेड, सो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, नॉन टैक्सेबल है एज पर दी नोटिफिकेशन कि एक्सक्लूड कर दिया इसको जो गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन है उसमें से, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन टैक्सेबल. तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज में. देन कमीशन चार्ज ₹15 lakhs ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट पे कमीशन चार्ज किया, ये टैक्सेबल होगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ 900 per day. देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर होटल का टैरिफ 1000 से कम रहा तो वो नॉन टैक्सेबल है, अगर वो होटल का टैरिफ 1000 या उससे ज़्यादा रहा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा. तो हियर इट इज़ 900 विच इज़ लेस देन 1000, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन टैक्सेबल. नेक्स्ट इज बिल्डिंग लेट आउट टू कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर. बिल्डिंग लेट आउट टू कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर, कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर को बिल्डिंग लेट आउट किया है, इट इज़ टैक्सेबल. इफ़ बिल्डिंग इज लेट आउट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ नॉन टैक्सेबल. तो कमर्शियल कोचिंग एक प्राइवेट बेस पे है इसीलिए वो नॉन टैक्सेबल बन जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी दिस इज़ टैक्सेबल. तो कमर्शियल कोचिंग विल बी
taxable. And in if this is the point which is related with building let out to school, जो मैंने last हमारा lesson है उसमें हमने देखा था building let out to school, तो वो non taxable बनेगा. तो this will be building let out to commercial coaching center, it's taxable. तो education services का point आया है ये. Next point देखते हैं, ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ एग्जेम्पशंस है जो आपको याद रखने हैं. ये एजुकेशनल सर्विसेज का पॉइंट है. तो ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग रिलेटेड टू हॉबी क्लासेस, ट्रेनिंग रिलेटेड टू डिफरेंट गेम्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो नॉन टैक्सेबल है. तो ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर इज नॉन टैक्सेबल. देन पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट्स बाय पोस्ट कुछ कोचिंग मटेरियल भेजा है, दैट इज टैक्सेबल. तो ये भी टैक्सेबल बन जाएगा. ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स, जो अभी मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स, ट्रेनिंग एंड कोचिंग रिलेटेड टू एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर कल्चर एज वेल एज रनिंग हॉबी क्लासेस, ये सब नॉन टैक्सेबल है. तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आए हैं. तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कल्चर वाला था, ये नॉन टैक्सेबल है. ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स, ये भी नॉन टैक्सेबल है. और ये हॉबी क्लासेस वाला जो पॉइंट है वो भी नॉन टैक्सेबल है. तो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज. प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो प्लेसमेंट्स देते हैं जॉब रिलेटेड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ टैक्सेबल. सो दिस वेर द पॉइंट्स. मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम एग्जेम्पशंस जो है नोटिफिकेशंस 12 के बेस पे 2017 वो सारे कवर हो जाए. और इसी के बेस पे आपको कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो मैंने इस क्वेश्चन में दो से तीन हेड्स के पॉइंट्स को मिला के ये क्वेश्चन बनाया, सो दैट आपको ये जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी है उसके जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको पेपर में ना हो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड, सर जीएसटी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीएसटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए, टाइम एंड सप्लाई के बारे में सॉल्व करवाए. टाइम एंड सप्लाई भी मैं डिटेल डाल रहा हूँ, जल्दी डाल दूंगा, सो दैट आपको वो बेस पे भी टाइम एंड सप्लाई के जो बेसिक पॉइंट्स है, जो डेट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट वगैरह, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो उस बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं डाल दूंगा. सो एज ऑलवेज हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. एंड पढ़ते रहे, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते रहे, सो दैट आपके जो टारगेट रखा है आपने वो टारगेट को आप कंप्लीट कर पाए. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो. अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करो, सो दैट उनको भी ये वीडियो से कुछ बेसिक पॉइंट्स उनके क्लियर हो पाए. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना. टिल देन, बाय बाय. वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.